गाइज, इट्स मी अनपॉपुलर दीदी। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वो सारे प्लम के प्रोडक्ट्स के रिव्यूज जो मैंने अभी तक खरीदे हैं पहले, और अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। सो लेट्स रिव्यू एंड सी कि कितना हद तक अच्छे हैं और कितना हद तक यू नो ट्रस्ट कर सकते हैं हम लोग। एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ है, हर प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है और हर प्रोडक्ट यू नो इतना बेकार भी नहीं लगा है। सो या लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे एंड कौन सा नहीं। एंड आज मैं अपने भाई की हुडी पहन रही हूँ, तो मेरे को दिक्कत है इससे नहीं। सो या लेट्स बिगिन। सो गाइज, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे लिस्ट में वो है प्लम का ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। गाइज, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो फिर आपको पता ही होगा कि हाँ, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका फॉर्मुलेशन एंड ऑल। बट इसमें मुझे एक ही चीज़ की दिक्कत लगती है कि इसमें यू नो स्प्रे की फैसिलिटी नहीं है, वो थोड़ा सा एक यू नो नेगेटिव फैक्टर रहता है इसका। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है एंड टाइटन अप करने में भी हेल्प करता है एंड इसका 2-3 ड्रॉप्स इज इनफ एंड इसकी स्मेल भी काफ़ी यू नो अच्छी लगती है मुझे। प्लम की ऑलमोस्ट ग्रीन टी एंड मिस्ट वगैरह की स्मेल ना एक जैसी ही लगती है, बट हाँ, आई रियली एंजॉयड इट। एंड गाइज, इससे आपको ब्रेकआउट्स भी काफ़ी कम होते हैं एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, लव इट। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट में वो है प्लम का ग्रीन टी रिवाइटलाइजिंग फेस मिस्ट। गाइज, इसको हम लोग बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एज अ मेकअप फिक्सर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, मुझे समझ नहीं आता कि भाई मतलब एक चीज़ को हम इतने सारे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट इसको लगा के ही ना एक अलग सा ग्लो मिलता है। एंड जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आज तुम्हारा फेस काफ़ी ग्लोई लग रहा है, तो दैट जस्ट क्लिक्ड मी अप कि हाँ चलो ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट काम करता है। जब भी आप कुछ ऐसा ट्राई करते हैं ना एंड कोई सामने से कॉम्प्लीमेंट करता है ना कि यार आज तुम्हारा फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है या यू नो थोड़ा ग्लोईपन आया है, यू इंस्टेंटली नो कि हाँ ये प्रोडक्ट एक्चुअल में वर्क करता है। सो इट हैज़ बीन दैट फॉर मी एंड मैं आजकल यू नो इसको एज अ टोनर की तरह यूज़ कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें एक यू नो स्प्रे करने की फैसिलिटीज़ हैं। इसको मैं 10/10 रिकमेंड करूँगी। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरी लिस्ट में वो है हमारा प्लम बॉडी लविंग वनीला वाइब्स बॉडी स्क्रब। ठीक है, शुगर बॉडी स्क्रब है, इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्लेजेंट स्मेल है इसकी। अगर आपने मेरा प्रीवियस शावर रूटीन देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने इसको यूज़ किया था एज अ स्क्रब। अच्छा ठीक है, तो स्क्रब की बात करी जाए तो उतना अच्छा स्क्रब नहीं है ये, क्योंकि गाइज ये जैसे आप लगाओगे ना, ये एकदम स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हाँ चलो अच्छा अच्छा है, बट एज यू कंटिन्यू टू यूज़ इट आपको पता चलेगा कि ये बहुत यू नो उसमें वो चीज़ नहीं है, एक्चुअली वो स्क्रब की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। लाइक आप इसको स्क्रब करोगे ना, एक गायब होता चला जाता है एंड मेरे हिसाब से इट्स नॉट समथिंग यू नो जो आपकी बॉडी को प्रॉपरली स्क्रब कर सके। लेकिन एज अ मॉइस्चराइजर एंड समथिंग लाइक मॉइस्चराइजर भी नहीं, लाइक अगर आपको बॉडी बिल्कुल मॉइस्चराइज और सपल चाहिए तो फिर आप इसको यूज़ करोगे विंटर्स में, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। बट एज अ स्क्रबर इसको भाई कोई रेटिंग ना ही दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ एज सच कुछ काम नहीं करता ये। या बट विंटर्स के लिए इट्स वेरी नाइस एंड मैं इसको और खरीदूंगी भी, क्योंकि शावर रूटीन में इट्स समथिंग जो होना चाहिए। सो या, स्मेल्स नाइस। सो गाइज, जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है ये प्लम का बॉडी लविंग डीओडराइजिंग पिट क्रीम। सो गाइज, ये अंडरआर्म्स के लिए होता है एंड ये क्या करता है यू नो एक जो नहाने के बाद जस्ट आप निकलो एंड ये थोड़ा सा यू नो क्रीम जो है इसको हाथ में लो एंड देन यू रब इट अंडर योर अंडरआर्म्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है एक स्मेल ही नहीं आती पूरे दिन, इनफैक्ट 2 दिन जब तक आप नहाओ ही नहीं, लाइक आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, बस इसकी खुशबू आएगी एंड इट्स सो गुड, सो गुड। एंड कोई भी यू नो डिओड्रेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्मेल करते हो अंडर आर्म्स में, प्लीज़ डू बाय इट, प्लीज़ चेक इट आउट, बहुत सही है, बहुत अच्छी वाइब्स देता है। एंड विंटर्स में तो इतना नहीं, बट समर्स के लिए इट इज़ सो गुड मैन। इसकी वाइब थोड़ी ना समरी वाइब है इसकी, या लाइक यू नो थोड़ी बीचेस वाइब, लाइक अगर कोई गोवा वोवा जाओगे तो फिर प्लीज़ डू कैरी इट। सो या, इट्स अ 10/10 फॉर मी, या इट वर्क्स। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम का बॉडी लविंग शावर जेल एंड इसकी यू नो वेरियंट है हवाइन रूम्बा। सो गाइज, आई डोंट नो लाइक ठीक है, इसको नहा के एक फ्रेश फीलिंग आती है, बट आई एम स्केप्टिकल कि इसकी स्मेल मुझे अच्छी लगती है या नहीं लगती है। लाइक इसकी स्मेल थोड़ी बीची वाइब्स देती है एंड यू नो थोड़ा वेकेशन वाइब्स देती है, लाइक थोड़ी स्पोर्टिश वाइब्स भी देती है एट द सेम टाइम।
आई एम थोड़ा कन्फ्यूज्ड कि इसकी स्मेल अच्छी है या नहीं है. मैंने लाइक काफ़ी लोगों से पूछा एंड सबका मिक्स्ड रिएक्शन था. सम पीपल लाइक इट एंड सम पीपल डिडंट लाइक इट. तो आई वुड से कि चलो ठीक है, एज अ शावर जेल इट्स अमेजिंग समर्स के लिए, स्पेशली समर वाइब्स देता है मोस्टली ये. इसमें कोकोनट्स, पैशन फ्रूट, वेनिला, फ्लोरल हिंट्स फ्रॉम हवाई, लाइक यू नो हवाई, मैं सही कह रही थी, हवाई वाली वाइब देता है ये. सो एग्जैक्टली या. सो गाइस द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हमारा प्लम बॉडी लोशन, जो कि है हमारा कोलाडा वेरिएंट में हवाईन रुम्बा विद ब्राजीलियन नट ऑयल. ओके सो गाइस ये जो है इसकी भी स्मेल यू नो इट्स लाइक बीची वाइब्स, इट्स लाइक वेकेशन वाइब्स एंड यू नो थोड़ा समर्स के लिए इट्स गुड. एज अ बॉडी लोशन इट वर्क्स रियली ग्रेट, रियली फाइन, बट स्मेल के लिए आई एम स्केप्टिकल, क्योंकि इसको समर्स में यूज़ करोगे तो फिर आपको बहुत फैब लगने वाला है, बट विंटर्स में आपको वाइब नहीं आएगी. एंड अगर कहीं घूमने वूमने जाओगे तो फिर प्लीज़ यूज इट, अच्छा लगेगा आपको. सो आई विल गिव इट अ 6, क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी यू नो हवाइन बीच जैसी है. सो या हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम का कैंडी मेल्स वीगन लिप बाम रेड वेलवेट लव. सो गाइज ये जो है ये हल्का सा रेड टिंट छोड़ देता है आपके फेस पे लिप्स पे. एंड गाइज ये जो है इसकी स्मेल थोड़ी यू नो किसकी तरह बबल गम, आई डोंट नो, इसकी स्मेल बहुत यू नो वैसी है, फ्रूटी बबल गम टाइप्स की स्मेल है इसकी. एंड इसमें से टेस्ट भी आता है, यस, लाइक अगर मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर ये ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है मेरे लिप्स पे, क्योंकि आई विल कर लूँगी मैं जल्दी जल्दी. बट अगर आपको लाइक यू नो ऐसे अच्छे लगते हैं जिसमें थोड़ा यू नो टेस्ट हो, तो थोड़ा स्वीट हो एंड स्मेल अच्छा करे एंड थोड़ा टिंट छोड़े, दिस इज़ द वन फॉर यू. आई तो लाइक इट बट आई वुड कीप लिकिंग इट. सो या मेरे साइड से ये 8/10 है. दिक्कत इसमें ये है क्योंकि ये डब्बे में है राइट, तो हमको अपना उंगली गंदा करना पड़ता है इसको लगाने के लिए. बट अगर आप कोई नॉर्मल लिप बाम देखोगे तो उसमें आपको स्टिक प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ यू नो इजी टू अप्लाई. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम गिविंग इट अ 8/10. गाइज जो अगला हमारा है वो है हमारा प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर ग्रीन टी. एंड मुझे काफ़ी यू नो मिक्स्ड वाइब्स आती है, लाइक जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करा तो देखो थोड़ा वाटरी है ये राइट, तो आई थॉट कि यू नो थोड़ा अच्छा लगेगा ये लगाने में. बट अब जैसे इसको लगाओगे ना, कोई हल्का से वाइट कास्ट देख रहे हो, वाइट कास्ट छोड़ेगा नहीं, बट आई एम जस्ट यू नो शोइंग यू कि ये कैसा प्रोडक्ट है. एंड देन इसको अच्छे से रब करने के बाद ये थोड़ा यू नो स्किन में आराम से ब्लेंड आउट हो जाता है. तो ये ऐसा प्रोडक्ट है एंड मुझे काफ़ी मिक्स्ड वाइब्स आती हैं इससे, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू टेल कि ये एक्चुअल में यू नो उतना अच्छा है या नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं गाइज जो यू नो काफ़ी अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो हाइड्रेटिंग है, बट ये मुझे इतना अच्छा लगा नहीं. लाइक मैटिफाई तो कर रहा है, जो ये कह रहा है वो ये कर रहा है, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ऐसे टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर्स. अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बिल्कुल मैट फिनिश दे, सो या प्लीज़ गो फॉर इट. बट मुझे थोड़ा ना हाइड्रेटिंग चाहिए होता है, थोड़ा लिक्विडिश, सो आई वुड गिव इट 4/10. सो गाइज हमारा नेक्स्ट है प्लम का ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग फेस वॉश. गाइज द फेस वॉश इज़ रियली गुड, आपका जो पोर्स है इट रियली हेल्प्स टू यू नो क्लीन द थिंग्स आउट एंड आपके फेस को एकदम चमक दे देता है. बट यार इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो क्या है कि इसमें ना थोड़े ग्रीनिश बीड्स हैं राइट. एंड अगर आप डेली ऐसे फेस वॉशेस यूज़ करते हो ना, इवेंचुअली आपका स्किन जो है काफ़ी यू नो हार्श चीज़ों से गुजरता है. आई एम समवन हु वांट्स थोड़ा ना जेंटल फेस वॉश, थोड़ा जेंटल फोमिंग फेस वॉश, तो फिर मुझे ये हफ्ते में एक बार यूज़ करो तो अच्छे लगते हैं, बट एवरी डे यूज़ के लिए आई एम नॉट यू नो गोइंग टू डू दिस. तो या वंस इन अ वीक आई यूज़ दिस, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपकी ऑयली स्किन है कोई फोमिंग फेस वॉश यूज़ करो एंड देन वीकली वंस इन अ वाइल आप इसको यूज़ करो एंड योर स्किन विल ग्लो. या सो आई वुड गिव इट 8/10. सो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्लम ग्रीन टी क्लियर स्पॉट लाइट जेल. इसको लगाने के बाद यू नो कुछ खास फर्क मुझे महसूस हुआ नहीं, लाइक आई डू हैव यू नो स्पॉट्स हियर एंड देयर, बट इसको लगाने के बाद मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि स्पॉट्स लाइटन हो चुके हैं. एंड मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा इसको यू नो ठीक होने के लिए. ठीक है लाइक आपके जितने भी स्कार्स वगैरह उस पर आप लगा सकते हो, बट मुझे ऐसा कुछ
फ़ायदा हुआ नहीं इस चीज़ से. प्लीज़ डू टेल मी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ. अभी एक हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ बट अभी तक कोई रिजल्ट मिला नहीं मुझे. बट अभी मैं और यूज़ करके देखूंगी एंड अगर लगता है मुझे कि हाँ यार इससे कुछ ना कुछ तो हुआ है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊँगी कि हाँ इट वर्क्स. बट अभी फ़िलहाल आई एम स्केप्टिकल. सो गाइस हमारे लिस्ट में जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम राइस वाटर एंड नायसिनमाइड 10% सीरम. गाइस इट इज़ सो गुड यार, इट इज़ सो गुड. ये आपके ब्लेमिशेस एंड डार्क मार्क्स हटाने में हेल्प करता है एंड बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है. इट वर्क्स मैन एंड इसमें नायसिनमाइड है 10%. या थोड़ा सा ही अपने हाथ में लेना है, हल्का सा पैट पैट करना है अपने फेस पे एंड थोड़ा सा यू नो आपको चेंज महसूस होगा, थोड़ा ग्लो आपको महसूस होगा. बट अगर गाइज आपको फंगल इन्फेक्शन होता है फेस पे, फंगल एक्ने वगैरह होता है, आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस. बट अगर आपकी नॉर्मल ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसको यूज़ कर सकते हो. आपकी स्किन थोड़ी ग्लोई लगनी स्टार्ट हो जाएगी. सो या आई रियली लाइक इट, लाइक इट वर्क्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड गाइस मीट यू इन अनदर वीडियो. बाय गाइस.